हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में, जहां आज हम देखने वाले हैं टर्बो C++ इंस्टॉलेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टर्बो C++ को इंस्टॉल करेंगे एंड हाउ टू राइट अवर फर्स्ट प्रोग्राम इन टर्बो C++। तो सबसे पहली स्टेप में आपको टर्बो C++ को डाउनलोड करना है। तो जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप टर्बो C++ फॉर विंडोज, ठीक है। एंड देन आफ्टर जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक, जहां से हम टर्बो C++ को डाउनलोड करेंगे। जस्ट गो टू दिस डाउनलोड टर्बो C++, ओके। एंड इट टेक्स हार्डली अ टाइम एंड योर टर्बो C++ विल बी डाउनलोड इन योर मशीन, सी दिस वन, ओके। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट क्लोज दिस, ठीक है। वंस इट इज डाउनलोड, इट इज अ zip फाइल एंड यू हैव टू अनजिप दिस फाइल। तो ये हमारा टर्बो C++ डाउनलोड हुआ है, जस्ट कॉपी दिस और इसको पेस्ट कर लीजिए आप अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में। सपोज यहां पर मैं अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूं, सपोज सीपीपी डेटा के नाम से, ओके। इन हियर आई एम जस्ट अनजिप दिस फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर, ओके। सो दिस इज व्हाट द टर्बो C++ exe फाइल यू कैन गेट, बाय व्हिच यू कैन इंस्टॉल टर्बो C++ इन योर मशीन, ओके। तो इस exe फाइल पे जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, ये जो exe फाइल है इस पर राइट क्लिक करना है एंड देन यू हैव फाइंड एन ऑप्शन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। Just click on this, yes, okay, and it start installing of Turbo C++. So it takes hardly a time to install. I accept license agreement, okay, next, and click on this install and finish this. So this is how to install Turbo C++. Or after installation, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप Turbo C++ को install कर लेंगे, then you will find this shortcut in your desktop. ठीक है, this is the shortcut, okay. Just click on this and start Turbo C++, okay. And here you will get environment of Turbo C++. See this one. और यहाँ पर अब हम हमारा सबसे पहला प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर just go to this new और जब आप new पे क्लिक करेंगे, so default you will find this no name 00.cpp file. This .cpp file indicates that it is a C++ program, okay. And just save this program first. And just name the program. मैंने लिख दिया suppose test.cpp and include the header file as we discussed iostream.h, okay. And here we need one more include conio.h, okay. Then void main and here we should write cout welcome in C++, okay. And then gate.ch. This is required gate ch and clear when you write a program in Turbo C++. But जब हम VS code की बात करेंगे, so things would be little bit different. Okay, logic वही रहेगा, लेकिन code लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा different होगा. But right now we are focusing on Turbo C++. तो after this, यदि आपको इस program को compile करना है, run करना है, तो मैंने आपको बताया था there is a shortcut की called Control F9, और you can go to this run and here you will get this Control F9, right? So just run this. You'll find two error, okay, iostream.h, it is actually, okay, and see this one. You will get welcome in C++, which is the first program of C++, right? So, yahan par agar hame code likhna hai, so how to install Turbo C++, I hope concept aapko samajh mein aaya hai, bada simple sa concept hai, aapko sabse pehle Turbo C++ download karna hai, and then after, jo zip file hai, usko unzip karna hai, and then you will get setup, just click on this setup, and Turbo C++ ready for your machine. और यहाँ पर अब आप अपना कोई भी प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप इसके ऑप्शंस को देखेंगे, तो सी दिस वन, यू विल फाइंड दिस डायरेक्टरी वेयर द पाथ इज देयर, ओके। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं कि आपका टर्बो C++ प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है नहीं, लिब फोल्डर, सोर्स फोल्डर, ओके। एंड देन आफ्टर इनसाइड दिस एनवायरमेंट यू विल फाइंड वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एडिटर। तो इनकेस कभी ऐसा होता है कि आपका एक्सटेंशन डिफॉल्ट सी है, कई बार क्या होता है जब हम कोई भी नई फाइल ओपन करते हैं, तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन जैसे भी .cpp आ रहा है, समटाइम्स इट इज .c आल्सो, बिकॉज़ दिस इज द कॉमन एडिटर फॉर बोथ C and C++। तो यदि .c आपने यहां एक्सटेंशन लिख दिया, सो सी दिस वन, अब मैं कोई भी नई फाइल ओपन करूंगा, देन द डिफॉल्ट एक्सटेंशन इज .c, बट यदि आप चाहते हैं .cpp, सो जस्ट गो टू दिस ऑप्शन एनवायरमेंट एडिटर एंड जस्ट Change it with CPP, ठीक है? CPP and click on okay. तो अब अगर आप कोई भी ये existing file change नहीं होगी, अब आप कोई भी नई file open करेंगे, तो you'll find this default CPP extension, okay? So how to install Turbo C++ and how to use Turbo C++? I hope ये छोटा सा लेकिन
इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। तो चलेंगे साथ में, तो फटाफट टर्बो C++ को आप इंस्टॉल कर लीजिए यदि आप इस एडिटर को यूज करना चाहते हैं फॉर C++ प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे VS कोड के इंस्टॉलेशन की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।